हमारी आई टेस्ट हो चुकी है और बड़ा माइनर सा नंबर आया है। ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन हटा दी, ये माइनस वाला जो नंबर होता है ना भाई, कोई नंबर नहीं होता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग में मारिया हमारे साथ में है और अभी हम जा रहे हैं आई टेस्ट कराने के लिए, जो कि मारिया ने अपॉइंटमेंट बुक करा है। तो आज आपको प्रोसेस दिखाएंगे कनाडा के अंदर किस तरीके से आई टेस्ट होते हैं। मारिया कुछ कहना चाहेगी इस बारे में? कुछ नहीं, मैंने कभी आई टेस्ट कराया नहीं, चलते हैं देखते हैं कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने चार्जेस हैं। आई थिंक पर पर्सन $100। ओके, मतलब 6,000 रुपये में ना एक बंदे का आई टेस्ट होगा, 6,000 रुपये में आई टेस्ट। ये आ गए हम स्कॉट्सडेल, यहीं पर हमारा आई टेस्ट होना है आज। ये हमारी आई टेस्ट हो चुकी है और बड़ा माइनर सा नंबर आया है। ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन हटा दी, ये माइनस वाला जो नंबर होता है ना भाई, कोई नंबर नहीं होता, बट आ गया। तो इसके लिए मुझे कोई मतलब चश्मा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने बोला। तो यहाँ पर हम आए थे, जिसका नाम है स्पेक्स, स्पेक्सिवर है ना इसका नाम। और भाई जो वॉटरी आइज हो रही थी मुझे, उसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई सनग्लास लगाओ। तो हम एक सनग्लास ले लेते हैं, और सनग्लास लेंगे हम वो अगली ब्लॉग में बताऊंगा। सनग्लास ही होगा भाई, मतलब सनग्लासेस ही होंगे भाई, बहुत बढ़िया लेने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा। उसका नाम अभी रिवील नहीं करूँगा, अगर आज ले पाया तो इसी ब्लॉग में दिखा दूँगा, वरना कल तो 100% हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो ऑर्डर करना पड़ेगा कहीं पर जाके, तो वो होगा, वो भी बता दूँगा आपको। फिलहाल तो आई टेस्ट हो गई है, बीमारियाँ की हो जाए फिर यहाँ से हम निकलते हैं। तो आई टेस्ट का जो प्राइस था $99 है पर पर्सन। तो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने चेक किया, डॉक्टर भी इनके पास, सब कुछ था काफ़ी अच्छे से, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो सनग्लास कर लेंगे या आज लेंगे वो अभी पता चल जाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। Can't see the last line. The first letter I cannot. The second one from the left side. Y H V. यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत हैं, एडिडास है, टॉमी है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो वाला नहीं है। ये प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस हैं, बट मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए कुछ और। तो इन्होंने लेंस का रेट दिया 12 महीने का $250, तो मतलब 15,000 का है, ठीक है ये वाला। क्योंकि अगर ये चश्मा लेती है तो और भी महंगा पड़ रहा था, $250 का फ्रेम था, जो 21,000 का फ्रेम था। तो ये है, तो इसको लेंस लेने, अब ये चश्मा नहीं लगाना चाहती तो इसलिए ये वाला ले रही है, लेकिन देखते हैं हमारा वाला क्या सीन बनता है। मेरा वाला चश्मा मैंने अभी बात करी, वो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा फिर वो मिलेगा, तो जब वो आएगा वो मैं तभी दिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा उसके बारे में, ठीक है, सस्पेंस रखते हैं उसका थोड़ा सा। शाम तो देखो होने लगी और मारिया मैडम बड़ी खुश हैं, इनका चश्मा बन जाएगा, इनकी आँखों में रोशनी आ जाएगी, लेंस बनवा रही हैं, लेंस, अंग्रेज़ बन रहे हैं ये लोग। और हम क्या लेंगे वो मैंने बताया नहीं है, जो मैं लूँगा वो कुछ अलग ही लूँगा भाई, उसके लिए मुझे स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा। नहीं है, दिखता है और मुझे दिखता नहीं है। तो नहीं, मेरा कुछ मैटर भी कुछ अलग ही है, मेरा कुछ और ही है कि भाई मेरे को ये चाहिए। हाँ, आपको जरूरत ही नहीं है ग्लास वो वाले क्या लेंस की ना, पावर की आपको जरूरत। बट मेरे को एक सनग्लासेस लेने थे मुझे, तो क्या अतरंगी सनग्लासेस हैं? अतरंगी कुछ अलग वो लूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है जैसा मैं हूँ उस तरीके के लूंगा, तो वो आएंगे कम से कम एक हफ्ते में ना, ऑर्डर करेंगे तो एक हफ्ते में, ऑर्डर करने के बाद एक हफ्ता लगेगा, तो एक हफ्ते बाद बताऊंगा। फिलहाल आप चेक करो, मौसम बड़ा औसम हो गया है क्योंकि सनसेट का टाइम हो रहा है, तो सनसेट के टाइम जो आसमान है थोड़ा रंग बिरंगा हो जाता है, और वो आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, रेड लाइट ऑन हो गई, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम अगेन गाइस, अभी मसला क्या हुआ कि मैं रोड क्रॉस करने लगी, तो आगे का दारोमदार मेरे हवाले है। सो जैसे कि मैं खाने में माहिर हूँ, लाइफ में खाऊआ हूँ जी, नहीं इतनी मेहनत करी और खाया नहीं तो क्या किया है ना,
बट उस खाने को मैं जला भी लेती हूँ, ये अलग बात है कि ज़्यादा नहीं जल रहा है। खैर तो अब हम आए हैं मैरी ब्राउन्स, क्योंकि वहाँ पे होता है ऑफ़र ऑन मंडे। सो जो भी इन कैनेडा विद इन कैनेडा जो भी है, जो हमें देख रहा है या नहीं है, जो आने वाला है, आप मंडे को मैरी ब्राउन्स आ सकते हैं। यहाँ पे मंडे को $4 में बर्गर मिलता है, एक बर्गर। सो हम जा रहे हैं, ऐड भी चल रहा है, वो ऐड हम आपको अभी दिखाएंगे। भाई ये रहा $4.99, मतलब $5 का एक सैंडविच। कॉम्बो में क्या है? कॉम्बो $10 का, जो कि $14-15 का होता है। सब ये बर्गर खा रहे हैं और ये बर्गर बहुत अच्छा है। सो ये हलाल है, बहुत कम जगह हलाल होता है कनाडा में। सो मैरी ब्राउन्स, पॉपाइज, ये सारी जगह है हलाल। सो यू कैन बी कंफर्टेबल व्हाइल ईटिंग। मैं ट्राई करूँगा। इसके अंदर भाई ये है, एक पीस डाला हुआ है चिकन का, उसमें थोड़ी बहुत वेजीज है, दैट्स इट।